नमस्कार दोस्तों, कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था। बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने का कोशिश किया कि बैंक लोन स्कैम किस तरह से किया जाता है बिल्डरों के द्वारा। ऐसे ही एक और स्कैम है जो काफी स्फूर्ति के साथ बहुत सारे बिल्डर्स कर रहे हैं, खास करके अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है। ये फेस्टिवल सीजन के समय बहुत सारे ऐसे स्कैम्स पनपते हैं, और एक जो स्कैम है वो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का स्कैम। अब ईओआई या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक रिफंडेबल अमाउंट है, आपसे लिया जाता है कि आप बस इंटरेस्टेड हो इसलिए आप पैसे दे रहे हो। आदमी पैसे क्यों देगा? वो इसलिए देगा क्योंकि उसे कोई सामने से फायदा मिल रहा है। तो फायदे में ये लोग इस तरह से प्रॉमिस करते हैं कि आप हमें ये 50,000, 60,000, 70,000 दोगे और हम आपको थोड़ा फ्लोर राइज का कंसेशन देंगे वगैरह। यानी पूरे से ये आपको लगता है कि आपको किसी तरह का एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन याद रखिए सारे जो प्राइसेस हैं, प्राइस फिक्स कर रहे हैं, बिल्डर ही फिक्स कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा एडवांटेज है? जहां तक मैं समझता हूं मनगढ़ंत एडवांटेज है, ये पूरा मनगढ़ंत है। लेकिन लोग इस ऐसे में भी चले जाते हैं और मासूम लोग हैं, सवाल पूछते नहीं है, पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं सारे के सारे। मुझे तो यही लग रहा है, यानी काफी कभी कभी फ्लैट बायर्स पे गुस्सा आ जाता है मुझे कि लोग ऐसे सब डीलिंग में क्यों जाते हैं। लेकिन अब सुनिए किस तरह से ठगा जा रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक रिफंडेबल डिपॉजिट है, इसे ईओआई कहते हैं। एडवांस बुकिंग अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है, टोकन की तरह है जो जब्त किया जाएगा। अगर आप डील में से निकलना चाहते हो तो वो जब्त कर लेंगे आपके टोकन को। और जब्त ये कह के करते हैं कि उनका नुकसान हुआ, यानी कि बिल्डर का नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं होता है। वो इस तरह के प्री सेल्स, प्री लॉन्च सारे करते हैं और आपसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कह के ले लेते हैं। और अगर आपने गलती से भी वो फॉर्म में जो एडवांस बुकिंग का हिस्सा है उसमें आपने कोई डिटेल्स लिख दिए, गलती से भी आपने साइन कर दिया, तो खत्म, खेल खत्म। आपने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट समझ के पैसे दिए हैं वो एडवांस बुकिंग में लिया जाएगा और एडवांस बुकिंग रिफंडेबल नहीं है। तो स्कैम इस तरह से है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिफंडेबल है, एडवांस बुकिंग रिफंडेबल नहीं है। एक ही फॉर्म में ऊपर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और नीचे एडवांस बुकिंग लिखा हुआ है, और वो जिस तरह से वो लिखावट है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ऊपर देखिए दोस्तों, हम बार बार कई जगह पे साइन करने के आदि हो चुके हैं। कोई भी फॉर्म लेते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का फॉर्म होता है तो चार जगह पे साइन करना होता है, बैंक में जाते हो अकाउंट ओपनिंग होता है तो भी दो तीन जगह पे साइन करना होता है, तो हम ऑटोमेटिकली साइन कर देते हैं, हम पढ़ते नहीं है। हम कहते हैं कहिए क्रॉस मारिए कि कहाँ पे साइन करना है, हम साइन कर देते हैं, सिग्नेचर वन, सिग्नेचर टू, सिग्नेचर, इस तरह से हम कर देते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों साइन नहीं करना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे आपने साइन कर दिया, एडवांस बुकिंग में आपने अगर साइन कर दिया और वहां पर कोई फ्लैट का नंबर लिख दिया तो इसका मतलब आपने एडवांस बुकिंग किया है और एडवांस बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक अब आपको फ्लैट लेना ही पड़ेगा, वो रिफंडेबल नहीं है। और ऐसे कुछ शर्त रखे गए हैं जिससे आप हट जाओगे, यानी वो शर्त अगर पूरा नहीं कर पाओगे तो आपके पैसे बिल्डर के जेब में चले जाएंगे। तो ये कौन से शर्त हैं? शर्त ऐसे हैं कि एक बहुत बड़ा शर्त ये है कि आप बैंक को सारे डिटेल्स 7 दिन के अंदर अंदर दे दोगे, 7 दिन के अंदर, और हो सकता है कि वो 7 दिन से कम भी हो, क्योंकि उसके वर्डिंग्स ऐसे हैं। मैं एक खास करके एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट है, प्रॉपर प्रोजेक्ट का नाम है आराध्या हाई पार्क, मीरा भाईंदर में है। उसी प्रोजेक्ट को मार्केटिंग किया जा रहा है मोंटे वर्डे के नाम से, कह रहे हैं प्री लॉन्च है। अगर रेरा में रजिस्टर्ड हो गया तो प्री लॉन्च नहीं हो सकता है, वो सिर्फ लॉन्च हो सकता है, यानी उसका सिर्फ बुकिंग हो सकता है, वो एडवांस बुकिंग होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एडवांस बुकिंग है। ये भी कहा जा रहा है कि आपको
इसके ऊपर वो क्या सबवेंशन स्कीम मिलेगा, सबवेंशन स्कीम बैंक अप्रूव कर रहे हैं, तो अगर वो बैंक को आपने 7 दिन के अंदर अंदर सारे अपने पेपर्स नहीं पहुंचा दिए, 7 दिन के अंदर, जिस दिन से आपने उस एडवांस बुकिंग कर लिया उससे 7 दिन के अंदर आपको सारे पेपर्स पहुंचाने पड़ेंगे, और अगर नहीं पहुंचाए तो 8वें दिन को बिल्डर आपका बुकिंग कैंसिल कर सकता है, और अगर उसने कैंसिल कर दिया तो आप वही टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक से अगर समझते हो तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर वो कैंसिल हो गया तो आपके 2 लाख रुपए तक, वो 2 लाख 4 लाख या 6 लाख जब्त कर सकते हैं। अगर आप 3BHK में एडवांस बुकिंग किए हो तो 6 लाख आपके जब्त हो जाएंगे, 2BHK तो 4 लाख और 1BHK तो 2 लाख, इस तरह से उन्होंने कहा है। अब आपने जो भी पैसे उनको दिए हैं अगर वो एडवांस बुकिंग में गिने जाएंगे किसी भी शर्त के टूटते हुए, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपका पैसा जब्त हो जाएगा। और 2-4-6 लाख के लिए बहुत कम लोग कोर्ट में लड़ सकते हैं, ये बहुत ही आम बात है। आप अगर पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस कहेगी सर आप पढ़े लिखे हो, आपने तो ये सारी शर्तें मंजूर कर ली हैं क्योंकि आपने 2 जगह पे साइन किया हुआ है, उसमें ऐसे ऐसे शर्त लिखे हुए हैं, और वो शर्त अगर आप तोड़ देते हो यानी आप शर्त पूरा नहीं कर पाते हो, जैसे कि आपने, जैसे मैंने कहा बैंक में आप पेपर्स नहीं पहुंचा सके, या किसी भी कारण से आप अगर कैंसिल करना चाहते हो, तो इसका मतलब आप शर्त तोड़ रहे हो, और अगर आपने शर्त तोड़ दिया तो आपके पैसे चले जाएंगे। तो दोस्तों ये जो इस टाइप के जो स्कीम्स हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और एडवांस बुकिंग और ये टाइप के, सभी बिल्डर्स, बहुत सारे बिल्डर्स कर रहे हैं, नामी बिल्डर्स कर रहे हैं, ये हैं पैसे कमाने के स्कीम्स हैं, आपसे पैसे लेने के, छीन के लेने के स्कीम्स हैं। यहाँ पर अननेसेसरी बिना किसी मतलब के ये शर्त लगाए जा रहे हैं, आपके ऊपर शर्त थोपे जा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये शर्त आपके ऊपर थोपा जा रहा है, क्योंकि बड़े छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं ये जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म के पीछे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं, और आपको पढ़ने नहीं दिया जाता है, आपको पढ़ने का समय नहीं होता है, क्योंकि आप सेल्स ऑफिस में जाओगे तो सेल्समैन कंटिन्यूसली आपके साथ आपका कौन सा फ्लैट, किस आपको किस टाइप का फ्लैट है चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है या खुद रहना है वगैरह वगैरह, आपको बातों में लगाए रखेंगे, तो आपसे वो साइन करवा के ले लेंगे, छल से साइन करवा के ले लेंगे, और अगर साइन कर दिया और आपने कार्ड स्वाइप कर दिया तो आप पैसे खो बैठोगे। मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एक बहुत सिस्टमैटिक लूट है, और मेरी उम्मीद है कि लोग इस तरह से पेपर साइन नहीं करेंगे, बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाके पेपर साइन नहीं करेंगे, अपना कार्ड स्वाइप नहीं करेंगे। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वो पेपर सारे अपने घर पे मंगवा लीजिए, या ईमेल पे या व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए, आराम से पढ़िए। अगर कोई शर्त आपको समझ में नहीं आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप उनसे कहिए कि ये शर्त मेरे समझ में नहीं आया, ये जरा समझाओ। और दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मुझे स्कैन करके भेजोगे तो मैं पढ़ के आपको समझा दूंगा कि इसमें से क्या क्या हो सकता है, आपका किस तरह से नुकसान हो सकता है। तो रियल एस्टेट के चक्कर में जाके आप किसी और पैसे गंवाने के चक्कर में मत चले जाइए। रियल एस्टेट मार्केट आज का बहुत खराब है, बहुत ही खराब मार्केट है, बहुत सारे बिल्डर्स की का दिवाला निकल रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, और वो लोग अपने नुकसान को कवर करने के लिए ऐसे ऐसे फ्रॉड तरीके अपना रहे हैं, सेल्स ऑफिस वालों को पगार देने के लिए और अपने सेल्स मार्केटिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए वो चीटिंग पर उतर आए हैं। प्लीज़ आप उनके झांसे में मत पड़िए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। जय हिंद।